सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक ऑन माई चैनल। गाइज आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं थोड़ा सा ना कुछ शेयर करने वाला हूँ आपसे RS 200 से रिलेटेड, मतलब इसके एक तरीके से प्रोज एंड कॉन्स मान लो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी हैं सारी चीज़ें सब शेयर करेंगे, ठीक है गाइज। तो मैं लोकेशन पर पहुँच रहा हूँ, पहुँच करके सीधा वहीं मिलूँगा आपसे और उसके प्रोज एंड कॉन्स सारे शेयर करूँगा आपसे, मतलब किस तरीके की बाइक है ये, उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, है ना। तो नेगेटिव थोड़े कम करेंगे, नेगेटिव सबको पता है वाइब्रेशन वगैरह क्या क्या है ना, तो बाकी उसे छोड़ करके सारे पॉजिटिव्स वगैरह जो बाइक को आप कंसीडर कर सकते हो या नहीं कर सकते, खासकर स्पेशली BS3 जो है ना। तो सीधा अपनी लोकेशन पे चलते हैं, वहीं पहुंच करके दिखाता हूँ आपको क्या क्या इसके पॉजिटिव्स है ना, ठीक है। गाइज लोकेशन पे आ चुका हूँ अपना, थोड़ा सा यहाँ पे साइलेंट इन्वायरमेंट है, थोड़ा सा ठीक रहेगा अपनी बम्बलबी का शूट करने के लिए ना, तो यहीं पे शूट करते हैं अपना आराम से। और जितने भी बढ़िया तरीके से बताऊँगा, मतलब जो थोड़ा सा आपका आइडिया हो जाएगा, रफ आइडिया कि आपको कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अपनी RS 200। बम्बलबी को लोकेशन पर लगा देते हैं अपना बढ़िया तरीके से। एक बार आप इसका ओवरव्यू देखो बम्बलबी का किस तरीके से है, आफ्टर 7.5 इयर्स बम्बलबी की देख लो लुक, है ना। ये क्या हो गया यहाँ पे, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मुझे लग रहा है यार ये स्क्रैच तो नहीं लग गए, चलो कोई नहीं ठीक है बिल्कुल, है ना। तो बाकी तो ठीक है बम्बलबी अपनी, एक बार आप देख लो उसका क्या लुक्स निकल के आ रहे हैं ना बम्बलबी के, बहुत ही ज़बरदस्त इसका, मतलब हर जगह से मैंने इंडिकेटर्स भी इंस्टॉल कर लिए हैं। बाकी होप सो अभी RS गणेशा भाई से बात हुई है तो अवेलेबल करवाएंगे यहाँ पे जो साइड व्यू मिरर्स हैं अपने LED इंडिकेटर्स वाले, तो वो कराएंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं, इसमें जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव सब शेयर करूँगा ना। सो गाइज अगर हम RS 200 की बात करें तो एक राइडर के मन में सबसे पहले जो पॉइंट आता ना इसे परचेज़ करने से पहले, मतलब RS का जो नाम है मार्केट में इतना ज़्यादा क्यों है, तो देखो आप सीधा खुद नोटिस कर सकते हो उसका जो प्रीमियम लुक्स है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है दो सेगमेंट में। बाकी कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव होती है, मैं कहता हूँ RC 200 वगैरह काफ़ी अच्छी लगती है मुझे पर्सनली, से ज़्यादा अच्छी लगती है लुक्स में, बट लेकिन जब यहाँ बम्बलबी की बात आती है स्पेशली BS3 येल्लो में तो एक तरफ आ जाए इसका बिल्कुल मार्केट में ना, तो एजी लुक्स देखो कितना ज़्यादा, मतलब काफ़ी सारे पैनल्स हैं नो डाउट, उसकी वजह से नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आते हैं वाइब्रेशन वगैरह, बट ये मतलब जो पैनल्स हैं ना असेंबल कर रखे हैं, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया रियर सीट का ऑल, तो बहुत ही अल्टीमेट प्रीमियम लुक निकल के आती है। तो जो भी राइडर परचेस करने वाला तो एनी टाइम एनी डे से परचेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बाइक में इन टर्म्स ऑफ लुक। आज भी मेरी बाइक को 7.5 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब देखो आप, है ना, और लुक्स में देख लो आज भी स्टैंड करती है, ऐसा नहीं कि बाइक में कोई बहुत बड़ी दिक्कत है और लुक्स में कोई आउटडेटेड लग रही है, बहुत बढ़िया लुक्स है इसके। तो आप डेफिनेटली RS 200 की तरफ जा सकते हो। बहुत से लोगों में डाउट है अगर BS3 परचेस करूँ ना करूँ, काफ़ी ओल्ड हो चुकी है इस टाइम, BS6 चल रही है ना 7.5 ईयर्स और मैक्सिमम 6 ईयर्स पुरानी मिलती ही है BS3, तो यार बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी कम मिलेगा उसका, और साथ ही साथ पर एक दिमाग में चीज़ रखना कि यार मेरे को उसमें फिर काम करवाना पड़ेगा बाइक के अंदर थोड़ा मोटा, कोई दिक्कत नहीं, जो वियर एंड टीयर वाले पार्ट्स हो गए जैसे क्लच प्लेट हो गई तुम्हारी, है ना, टायर्स हो गए, ब्रेक शू हो गए, तो ये चीज़ें डेफिनेटली उसमें काम करानी पड़ेंगी अगर उस राइडर्स ने, जो भी रिसेंट राइडर है सेल कर रहा है उसने नहीं कराया तो। पर लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग में इस चीज़ को लेकर चलना, मुझे बाइक में काम करवाना ही पड़ेगा। गाइस बात करें बम्बलबी के इंजन की तो यार पावर में नो डाउट, मतलब मानता हूँ मैं 200 सीसी सेगमेंट है जो अपना, उसमें मतलब जो टॉर्क जनरेट ये करती है ना, मतलब बहुत ही आला दर्जे का है। अकॉर्डिंग टू वेट भी देखोगे ना आप, है ना, पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा निकल के आता है, बाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कोई दिक्कत नहीं आती बाइक में, बेहतरीन है एकदम। और जैसे कभी कभार ना, मतलब आप जो BS6 चलाएगा BS4 चलाएगा तो एक बार BS3 चला लेना, आपको डिफरेंस खुद दिख जाएगा, बट लेकिन वहाँ पे भी एक सिनेरियो निकल के आता है, बाइक की कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। और मैं थोड़े से राइडर से भी कहना चाहूँगा, थोड़ा आप अवॉइड करना BS6 को, मैं नहीं कह रहा मत परचेज़ करो कोई सेकेंड हैंड मार्केट में न्यू में, तो अवॉइड ही करना BS6 को, BS4 और BS3 एनी टाइम एनी डे बिल्कुल उठा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाइस बाइक की हैंडलिंग की बात करें, जब चलती है मतलब टॉप स्पीड वगैरह पे, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जिनके पास BS3 है या मतलब जो से ऑन करने वाले हैं उन्हें पता थोड़ा बहुत आइडिया होगा BS3 की क्या टॉप स्पीड है, इजीली 155 प्लस सबकी जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती अगर सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही हैं A to Z, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्यूल पंप वगैरह, क्लच प्लेट,
तो बहुत ही अच्छी टॉप स्पीड अचीव करती है, तो अचीव तो कर लेती है। चलो बहुत से लोगों में डाउट होगा यार, मतलब कि टॉप स्पीड अचीव करने के बाद इसका बैलेंस और कंट्रोल कैसा है, तो देखो गाइस सीधा सीधा बता रहा हूँ, अल्टीमेट कंट्रोल है बिल्कुल, बिकॉज जिसका वेट है ना बहुत ज़्यादा है, 165 kg है, अपने 200 cc सेगमेंट में बिल्कुल सबसे ज़्यादा हैवी वेट रखती है बाइक का उसका। हालांकि मैं मानता हूँ नेगेटिव पॉइंट भी है, थोड़ा बहुत माइलेज और से कम है, ऐसा नहीं बहुत कम है, ठीक है माइलेज भी, उसकी बात भी करेंगे थोड़ी देर में। तो मतलब बहुत ही बढ़िया कंट्रोल है, बाइक चिपक जाती है बिल्कुल रोड पे वेट की वजह से, तो मतलब कंट्रोल की टर्म्स में सबसे ऊपर रहती है RS 200। गाइज अब RS 200 के जो बात लेने से पहले जो लड़के सोचते हैं लेने से पहले राइडर्स, क्या यार मतलब इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या निकल के आती है, बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है, डर भी लगता है। देखो यार सीधी सी बात है, स्पोर्ट्स बाइक है, और अगर तुम मतलब जो मान लो 2 cc सेगमेंट की राइड ज्वाइन करोगे किसी के साथ, तो वहाँ आपको मतलब अंडर एस्टिमेट फील नहीं होगा यार, मतलब डिमोटिवेट फील नहीं करोगे ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद भी, यार मतलब मेरे पास छोटी बाइक है कोई, तो वहाँ भी सही निकल के आता है इसका सिनेरियो बहुत ठीक है। और साथ ही मेंटेनेंस कॉस्ट की बात है तो भाई बिल्कुल नॉमिनल है, कोई दिक्कत नहीं आती है, बस ये आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए बाइक को किस तरीके से रख रखाव करना है, इसकी केयर किस तरीके से करनी है ना। बहुत से लोगों को मन में डाउट रहता है मेरे को पार्ट नहीं मिल रहा कैसे करूँ, तो वहाँ पे सर्विस सेंटर वाले कहीं ना कहीं उस आदमी को मतलब मिसगाइड करते हैं, चीज़ चेंज करवा लो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप थोड़ा सा ये मान लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, क्या क्या चीज़ मेरे को चेंज करवानी है, रिसर्च करने के बाद तो प्रॉपर उन चीज़ को चेंज करवाओ ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी चेंज करा लिया उन्होंने बोल दिया एक बार में, नहीं तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत नॉमिनल निकल के आती है। और बात करें इसकी सर्विस कॉस्ट की, तो देखो अगर आप बजाज का इंजन यूज़ कर रहे हो ना, तो उसकी सर्विस इजीली कंपनी के अंदर भी अराउंड मतलब ये मान के लो टेंटेटिव आपकी 1200-1300 रुपीज़ में विद लेबर कॉस्ट आराम से आती है। बाकी अगर बाहर करवाओगे आप बजाज का इंजन लेकर के, तो 1000 के अंडर अंडर हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आती ठीक है। बाकी मोटूल की बात करें तो मोटूल में थोड़ा सा प्राइस ऊपर बढ़ जाएगा लिक्यू मोली में से ऊपर, बट उनके भी कहीं ना कहीं बहुत एडवांटेज है उस सर्विस कराने के भी, प्रीमियम सर्विस जो होती है। तो यार देखो मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट में बिल्कुल नॉमिनल है, और जो इसके मतलब जैसे मान लो RS 200 है ये अराउंड 195 की आती है और 2 lakh के अप्रोक्स, तो जो इसके पार्ट्स हैं ना उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठीक रेट पे हैं, मतलब ये नहीं कह रहा मैं बहुत कम रेट है, मतलब बहुत नॉमिनल रेट है। एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे आपको, जो इसकी फेयरिंग है लेफ्ट फेयरिंग हो गई, फ्रंट हो गई राइट, तो इनकी जो प्राइस बता रहा हूँ आपको, जो BS3 के सबसे एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं, मतलब बताऊँ मैं आपको, फेयरिंग वगैरह थोड़ी सी एक्सपेंसिव है BS4 और BS6 से, स्पेशली येल्लो वाले वर्जन की, तो येल्लो वाले की जो फेयरिंग है ना मैंने चेंज करवाई थी ये वाली, तो ये 2600 रुपीज़ की आती है, बाकी कुछ जगह 23 की मिल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती, जो वाली फेयरिंग कर रहा हूँ मैं है ना, आप खुद देख सकते हो उसमें बिल्कुल जेन्युइन कंपनी से 2300 तक की भी आपको पड़ जाएगी, और विद लेबर आपको अराउंड इजीली 2800 के आसपास पड़ जाएगी। और टॉप टैंक कवर भी इसका मतलब मैक्सिमम मुझे जहाँ तक लग रहा है ना 1600 रुपीज़ के आसपास का है, 1600-1700 का, तो मतलब ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं है, रोज़ रोज़ ख़राब होती हैं, थोड़े बहुत टूट फूट के तो आप चेंज करवा सकते हो, वाइज़र भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 350 रुपीज़ का है। और डैशबोर्ड की बात करें 250 का, तो मतलब ठीक है, रोज़ नहीं टूटती, मतलब ख़राब नहीं होती, तो ठीक है, मतलब उस हिसाब से बहुत ही सही निकल के आता है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह। बाकी वेयर एंड टियर के पार्ट तो आपको बताया रहा, जिस तरीके से आप रखोगे बाइक को चलाओगे, तो वो डिफरेंट सिनेरियो हर राइडर डिपेंड करता है। बाकी देखो मैं बताऊँ, जो उसका चैन सेट है ना, बहुत से लोग बोलेंगे यार 20,000 किलोमीटर चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, इसका जो चैन सेट है मैक्सिमम चलता है वो 12-15 के आसपास, 12,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़त्म आती है, तो उसी का थोड़ा ध्यान रखना, बट ठीक है 12-15 भी ठीक है, जितनी हैवी बाइक है और जितनी अग्रेसिव जाती है, थोड़ा BS3 का कम है मतलब इस चैन की लाइफ है, चैन स्पॉर्किट की, तो ये सिनेरियो निकल के आता है। गाइज अब आते हैं हेडलाइट वाले सेक्शन में, नाइट ड्राइव के टाइम देखो मैं बता रहा हूँ हेडलाइट में कोई इशू नहीं है, बहुत ही अल्टीमेट वर्क करती है इसके ओसराम के हेडलैम्प से, स्पेशली जो BS3 में आते हैं ना, दोनों प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैं ओसराम के आते हैं, अब तो खैर कंपनी चेंज कर दी है, बट लेकिन पावर आउटपुट सिमिलर ही है, 55 वोल्ट जो आपका लो बीम का है और 65 वोल्ट आपका हाई बीम का, बहुत ही अल्टीमेट पावर है, मतलब जो कार में आती है ना कन्वेंशनल लाइट्स, तो सेम वही पावर है इनके अंदर, सेम बल्ब ठीक है, तो लाइट में नाइट विजिबिलिटी में बिल्कुल ज़ीरो इशू होएगा आपको। गाइस अब बात करें इसके हीटिंग इशू की, बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है यार RS 200 शायद बहुत हीट करती होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, देखो मतलब अभी वो जा रही, देखो वहाँ पे RC निकल गई है, बट कोई बात नहीं, अगर आप RC KTM ड्यूक वगैरह से कंपेयर करोगे ना है ना, तो 390 वगैरह जैसे ऑन करते हैं बंदे, एक सिनेरियो बन रखा है जो लिक्विड कूल्ड इंजन है ओवर हीट करता है, बार बार रेगुलेटर फैन चलता है उसका, तो ठीक है मैं मानता हूँ चलता है, बट इसका ऐसा कुछ नहीं है गाइस, अगर आप फर्स्ट सेकंड गियर में सिटी टू सिटी ड्राइव कर रहे हो ना,
तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी आपके हीटिंग इशू की, मतलब हीट करती है सिटी टू सिटी ट्रैफिक में बिल्कुल, है ना, बार बार नहीं करेगी, मतलब 4 मिनट 3 मिनट्स में करती है हीट। बट लेकिन जहाँ से तुरंत हाईवे पकड़ा, हल्की सी नॉर्मल रूट पकड़ा, फोर्थ गियर में चल रही थर्ड में, मतलब नहीं बनता इसकी ओवर हीटिंग का। ओवर हीटिंग में मैं मानता हूँ यार आरएस ने जो मतलब कमाल ढाया ना बजाज ने, जो कंट्रोल कराया इसकी हीटिंग, हीट डिसिपेशन को कंट्रोल किया उन्होंने, बहुत ही अल्टीमेट है। जो आरएस ऑन करता है चीज़ को बिल्कुल समझ गया होगा, इसके हीटिंग इशू का मतलब नहीं है इसके साथ। हाँ थोड़ी बहुत तो हीट करती है, राइडर फैन चलना भी जरूरी जब बाइक भागती है, बट एक बार आप और बाइक चलाओगे ना उस पर आगे शिफ्ट करोगे तो आप खुद समझ जाओगे यार ये इसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हीट डिसिपेशन में काफ़ी आगे निकल के आती है, तो बढ़िया। अगर उसमें भी डिपेंड करता है आपका राइडर वगैरह सब ठीक होना चाहिए, साथ ही साथ जो यहाँ पे कूलेंट होता है ना, कूलेंट पंप लगा होता है यहाँ पे इधर की तरफ, तो उसमें 2 सील्स होती हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क करनी चाहिए, मतलब कूलेंट लीकेज का इशू ना हो, हेड गैसकेट का लीक इशू ना हो, तो अच्छी हीट डिसिपेशन मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। गाइस बात करें कंफर्ट की, जो अपनी मंबल भी है, कंफर्ट में देखो आप अच्छी खासी लंबी राइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब इजीली आप 100-200 किलोमीटर, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस 600 नॉन स्टॉप चल सकते हो, बट 100-200 तक भी कोई दिक्कत नहीं आने की आपको। मैंने कर चुका हूँ उस पर 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप, तो ठीक है, मतलब इतनी अच्छी बाइक है ये, स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में आती है, तो और बाइक के कंपैरिजन में इसका कंफर्ट ज़्यादा ही है। आप देख लोगे जो उसका 2 पीस हैंडल है, आप देखो यहाँ से कितनी हाइट है, तो ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं है और ज़्यादा ही बिल्कुल बेकार नहीं है, मतलब आपको बिल्कुल फील ना हो रहा मैं स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ, तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो है बजाज वालों ने यहाँ पे हमें दिया है, तो बहुत ही सही चीज़ है इस चीज़ में। गाइस अब बात करें इसके माइलेज की, तो बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा यार मतलब डेली टू डेली राइड करूँगा मैं, संडे राइड वगैरह, तो ठीक है, और मेरे को मतलब माइलेज में कोई इशू नहीं होएगा इसका, मतलब क्या माइलेज है, मुझे क्लैरिटी चाहिए इस चीज़ में। तो देखो यार मतलब अगर आप BS4 उठाओगे तो उसका माइलेज ज़्यादा ही निकलेगा BS3 से, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू BS4 और BS6, और इसका मैंने 2 बार माइलेज टेस्ट कर लिया, मेरी बाइक की कंडीशन बिल्कुल इस टाइम जैम कंडीशन है जैसे बोलते हैं, सारी चीज़ बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है काफ़ी ज़्यादा मेंटेन के बाद, तो बिल्कुल अगर प्रॉपर आपकी चीज़ है इसमें, मतलब इवन मान लो जो एक्सीलेटर वायर है वो भी न्यू है, क्लच प्लेट भी न्यू है, क्लच असेंबली, फ्यूल पंप वगैरह बिल्कुल अच्छा प्रेशर है, तो मेरी बाइक का जो माइलेज है BS3 का ये निकल के आता 30-31 के आसपास जो माइलेज है, इवन आफ्टर एग्रेसिव राइडिंग भी, और मैंने संडे राइड भी की थी विद पिलियन, और नॉन स्टॉप अच्छी कार चली है, मतलब बाइक कोई दिक्कत नहीं आई, टॉप स्पीड भी रीच कराई मैंने 155 के आसपास जो इसकी गई थी, तो उसके बाद भी इसने मेरे को इजीली 31 का माइलेज दिया, तो मैं इससे काफ़ी मतलब एक अच्छा सा निकल के आया बहुत 31 BS3 के लिए, तो ये तो आप देख सकते हो। और बाकी BS4 की बात करें तो उसका इससे भी अच्छा निकल के आएगा, और ये भी डिपेंड करता है पिलियन साथ में है नहीं है, मेरे साथ पिलियन था तब 31 है, अगर पिलियन ना हो प्रॉपर हाईवे स्मूथली क्रूज़ करूँगा मैं तो इजीली 35 प्लस देगी देगी ये बाइक, अगर अच्छी कंडीशन में टायर प्रेशर वगैरह ओके रिपोर्ट है। बाकी BS4 का अपने आप ही थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे 10% ज़्यादा निकल के आता है माइलेज, तो माइलेज में ऐसा कोई इशू नहीं है, जिस हिसाब से इसकी पावर है ना, तो आँख बंद करके उठा लो उस बाइक को। गाइस बात करें इसके ब्रेकिंग की, बम्बल भी है अपनी RS 200 की, तो ब्रेकिंग देखो मेरी नॉन ABS बाइक है, मैं बता रहा हूँ, जो बाकी मड गार्ड है फ्रंट पे ABS लिखा मैंने चेंज करवाया था, ABS वाला आया था उस टाइम पे, ठीक है, तो ब्रेकिंग भी बहुत आला दर्जे की है, ये डिपेंड करता है आपके कैलिपर्स में जो वैक्यूम कितना है, पिस्टन्स वगैरह में प्रॉपर ब्रेक पैड की कंडीशन है, और जो तुम्हारा डिस्क प्लेट है अगर वो सब चीज़ ठीक है, मेजर किट वगैरह, तो भाई बहुत अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जिन बंदों के पास ABS वर्जन है तो थोड़ी बहुत उनकी बाइक में दिक्कत वैसे आती है, उनके मैल फंक्शन आता है मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ना, कि यार मतलब कभी कभी ABS की लाइट आ गई तो वो चीज़ निकल के आती है, बट यार ब्रेकिंग ऑल ओवर ठीक है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है ब्रेकिंग में, जिस हिसाब से इसका वेट है ना, तो ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं चीज़ में लेकर के। बहुत लोगों के मन में डाउट होगा ना यार मतलब परचेज़ ना करूँ, ब्रेकिंग वगैरह ख़राब है नहीं है, कंट्रोल हो जाएगी, टॉप स्पीड भाग जाती है, तो ईजिली कंट्रोल होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। गाइज अगर अब बात करें हम साउंड की, तो देखो 200 cc सेगमेंट में ना, जो 200 cc सेगमेंट है उसमें दो बाइकों का ना बहुत तगड़ा बोलबाला है अपना मार्केट में, RC 200 मतलब ड्यूक कोई भी ले लो, और जो ही आती है RS 200। तो देखो यार मैं बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट सेकंड गियर में चल रहे हैं लो RPM पर, तो वहाँ डोमिनेट करती है अपनी RC आवाज़ में, बहुत प्यारी आवाज़ उसकी, देखो मेरे को तो पर्सनली काफ़ी पसंद है। बाकी जब ये भागती है ना 6000 RPM के बाद, 6000-7000 RPM जब ये रीच करती है यहाँ से, शुरुआत में तो काफ़ी साइलेंट रहेगी, ये साइलेंट मोड पर रहता है ना स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, और उसके बाद ना जैसे डीजल इंजन होता है ना बिल्कुल टर्बो की तरह, जैसे टर्बो की रेंज में आके पागल आता हो, तो उसके साथ भी सेम ऐसा, मतलब जो कोई न्यू राइडर चलाएगा ना तो उसे ऐसे फील आएगा जैसे मैं कोई डीजल इंजन चला रहा हूँ। यहाँ से 4 के बाद ना अपनी ताकत दिखानी चालू करती है, जो भी RS 200 ऑन करता है उन्हें पता होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
चार पाँच के बाद जो ये बैंड है ना इसका बहुत ही अल्टीमेट है गाइस, रियली बता रहा हूँ। कोई भी बाइक ले फिर उसके सामने 200 cc सेगमेंट भी, 150 में, इवन मैं कह रहा हूँ 250 में भी कुछ हाँ बाइकें डोमिनार वगैरह नो डाउट अच्छी हैं, पर जो उसका टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना उसके बाद बहुत ताकतवर है गाइस, रियली बहुत स्ट्रॉन्ग टॉर्क है और आवाज़ तो बहुत ही सूदिंग साउंड है, अल्टीमेट जिसे बोलते हैं ना स्पोर्ट्स कैटेगरी में 200 cc सेगमेंट में इससे तगड़ी साउंड कोई नहीं है 5000 RPM के बाद, बहुत ही अल्टीमेट साउंड है। तो साउंड में बिल्कुल 10 out of 10 है इसके अपनी बम्बलबी के। गाइस बात करें रिलायबिलिटी की और जो मतलब पार्ट्स की मतलब क्या लाइफ है इनकी, लाइफ स्पैन कैसा है इन पार्ट्स का, तो देखो मैं ये कहना चाहूँगा ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है अगर आप अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रहे हो बाइक को, तो कोई दिक्कत नहीं आती ना क्लच प्लेट में आती, फ्यूल पंप में भी अगर आप अच्छा पेट्रोल फिल करा रहे हो FI वगैरह सब ठीक रहता है। तो मतलब आपको थोड़ा सा नॉलेज लेने की ज़रूरत है इस बाइक को ऑपरेट करने से पहले, FI बाइक है ठीक है। हाँ मतलब कहूँगा यामा के बराबर नहीं है इसकी क्वालिटी पार्ट्स की, ठीक है मतलब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा अगर आप अच्छी तरीके से राइड करोगे और बर्नआउट वगैरह अवॉइड करोगे ना, तो आपको क्लच प्लेट की लाइफ अच्छी मिलेंगी हर चीज़ों की, टायर वगैरह। तो थोड़ी सी इस पर आप मतलब ये नहीं सोचता यार मैं इस बाइक पर बदतमीजी कर लूँ, व्हीली वगैरह ले लूँ, मतलब कंटिन्यूसली रेल डेली वीडली मारूँ, स्टंटिंग वगैरह, तो उस चीज़ के लिए नहीं यार। देखो सीरीज बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत दिक्कत कर देगी फिर ये बाइक, मतलब कभी कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है इसमें अगर आप स्टंटिंग पर्पज से जा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए नहीं है भाई ये। गाइस देखो काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हो चुके हैं, अब मैंने यार देखो मतलब कोई राइडर लेने वाला इस बाइक को तो थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार बाइक के नेगेटिव्स भी होंगे। देखो डेफिनेटली नेगेटिव्स भी हैं इस बाइक के, ऐसा नहीं है नेगेटिव्स नहीं है ठीक है, तो उन्हीं नेगेटिव्स को काउंट करवाने वाला हूँ। तो बहुत से लोगों को लगे यार मतलब गलत करवा रहा है, नहीं यार 7.5 का एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा नहीं है मेरे को कुछ मतलब नॉलेज ना हो चीज़ की बम्बल बी की, तो ठीक ठाक है बढ़िया मैं बता सकता हूँ आपको, उस हिसाब से आप खुद जज कर लेना आपको परचेज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो देखो यार सबसे पहला नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं आपको, बहुत लोगों ने बताया भी होगा जो बात सच है इसकी वाइब्रेशंस काफ़ी हैं BS3 में BS4 में, बट ठीक है आप उसे थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, 100% अवॉइड नहीं कर सकते, तो उस चीज़ पर अगर आप वाइब्रेशंस में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो ईजिली जा सकते हो अपनी बम्बलबी की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी सी कम कर सकते हो आप मोटर वगैरह डाल के डैम्पिंग वगैरह करके, तो वो चीज़ भी ओवरकम आती है इसकी पावर देख पावर के बाद, तो पावर डोमिनेट कर जाती है यहाँ पर ठीक है। गाइस सेकंड नेगेटिव की बात करूँ ना मैं इसकी, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है मतलब आम राइडर के लिए काफ़ी दिक्कत आती है इसमें, चलो हम तो कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज़ में ठीक है, कुछ राइडर्स हैं जो अच्छी नॉलेज रखते हैं चीज़ को लेकर के, चाहे तुम्हारा गुड़ी द राइडर भाई हो गए ठीक है, और 3-4 जो बंदे हैं जिनके पास RS 200 ऑन करते हैं, तो इसकी जो पुअर सर्विस है बहुत जो मार्केट में बजाज है अपनी बहुत गंदी सर्विस देती है इसकी बाइक की ठीक है, अगर कुछ फॉल्ट भी आ गया तो मतलब उनका रुझान काफ़ी ओरिएंटेशन कम रहता है यार बाइक को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय ना, तो रिटर्न ट्रायल मेथड पे खेलते हैं यार ये भी चेंज कर दो वो भी चेंज, और राइडर कहीं ना फूल बनाते हैं मतलब मान लो उनका उल्लू बनाने में पीछे नहीं छोड़ते। तो ये कह रहा हूँ उसी में थोड़ा ध्यान रखना आप, थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है इस बाइक को लेने से पहले, क्योंकि जो बजाज में राइडर बैठे हैं ना जो मैकेनिक हैं उन्हें भी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है इसे लेकर के, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बाइक है बजाज जी, कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक बाइक थी जो उस टाइम पे आई थी, इससे पहले 220 थी जो फ्लॉप हो गई थी मार्केट में बहुत बेकार तरीके से, उसके बाद इन्होंने नया कदम रखा अपनी RS पे, तो मतलब इन्होंने लॉन्च तो कर दी, जो ट्रेनिंग थी ना स्किल ट्रेनिंग वो RS की नहीं दी गई है अपने मैकेनिकों को, बजाज वालों ने नहीं दी है, छोटे मोटे काम कर लेते हैं जहाँ पे मैकेनिकल इंस्पेक्शन हो गया मैकेनिकल वर्क में वहाँ नो डाउट अच्छा काम करते हो, बट जब इलेक्ट्रॉनिकल में आता ना तो थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं और कंपेरिजन में KTM वगैरह काफ़ी स्किल्ड लेबर हैं वो ठीक है। तो उस चीज़ में ध्यान रखना आप, इसकी जो मतलब सर्विस है ना काफ़ी पुअर है और उनका जो मतलब वर्क एथिक्स भी कमज़ोर ही है एज़ कम्पेयर टू KTM यामा। गाइस देख नेगेटिव और जो है बहुत लोग अवॉइड करते हैं इससे जो अदर स्टेट में रहते हैं एक्सेप्ट NCR रीजन वगैरह, तो ठीक है थोड़ा दूर रहते हैं मतलब एग्जांपल ले लूँ मैं जो हिल स्टेशन वगैरह पे रहते हैं इसे ओन करते हैं, तो उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी की, अगर कुछ भी पार्ट ख़राब हो गया फॉर एग्जांपल जो ऐसे पार्ट हैं जो बहुत रेयर ख़राब होते हैं, जैसे ऑक्सीजन सेंसर हो गया इसका, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर मैप सेंसर हो गया, थ्रॉटल बॉडी में दिक्कत आ गई, फ्यूल पंप में आ गई, तो वहाँ पता क्या सिनेरियो निकल के आता है इनके पार्ट्स में बड़ी दिक्कत आती है उन बंदों को स्पेशली जो NCR से दूर रहते हैं है ना जो हिल स्टेशन वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पे ना एक सोल्यूशन इसका मात्र 99rpm.com निकल के आता है ना, कोई पेड प्रमोशन नहीं है बट मैंने भी इससे काफ़ी पार्ट्स परचेज़ किए हैं, तो वो चीज़ निकल के आती है, थोड़ा सा पार्ट्स में दिक्कत है वहाँ भी 99 भी डिले गए था कुछ जगह, तो यार पार्ट्स वाला सिनेरियो निकल के आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना चीज़ को लेने से पहले। NCR में तो आराम से अवेलेबल आते हैं ठीक है, तो वो वाला सिनेरियो है अगर आप लेने वाले हो तो पार्ट्स का थोड़ा ख्याल रखना चीज़ को लेकर के, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि यार मतलब नहीं मिलेंगे, 110% मिल जाते हैं सारे पार्ट्स, थोड़ा टाइम लग सकता है आपका ना। गाइज एक नेगेटिव पॉइंट जो लगता है मेरे को बम्बलबी का,
इसका जो इंसुलेशन है, मतलब यार जो कपलर्स वगैरह वायर वगैरह, तो उनका उस लेवल का इंसुलेशन नहीं है। मैं मानता हूँ इंडियन कंडीशंस ख़राब है, इसका वाटर वगैरह यहाँ पे काफ़ी हार्ड वाटर है, तो यहाँ पे ना जो सॉल्ट वगैरह दिक्कत करते हैं, यहाँ पे सॉल्ट जम जाते हैं कपलर पे, उसके बाद वायर कट कर देते हैं। मेरे साथ हुआ, बम्बल भी जो ऑन करते हैं ना जब उनकी पुरानी हो चुकी है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे वायरिंग कट जाती है उनकी, है ना, जो फिर बम्बल रिले वाली, और आपको पता भी नहीं चलेगा, रास्ते में ख़राब आती है बाइक, ये वाला सीन का बहुत कम लोग बताएंगे आपको चीज़। इसका जो फ्यूल पंप से रिले वायर जा रहा है ना, जो वो होता है आपका एयर फिल्टर के नीचे, तो वहाँ दिक्कत क्रिएट करता है बहुत, वो वायर टूट जाएगा, तो मतलब यार बहुत चीज़ें हैं। उसके बाद पता क्या हुआ, जो ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं आपको एक सिनेरियो, यहाँ पे मैंने वीडियो भी अपलोड की है दोनों चीज़ की। ये मेरा देखो जो यहाँ पे ये लॉक सेट है ना, तो उसका बॉटम का मेरे पास शुक्र मानो न्यू था, पूरा परचेज कर रखा था मैंने पहले से ही पूरा लॉक सेट, तो यहाँ पे इसका वायर कट गया हार्ड वाटर की वजह से, और मैं बाइक चला रहा था शुक्र मानो घर के पास था मैं अपने, तो बाइक बंद हो गई अपने आप ही। मैंने कहा क्या हुआ, मैं मतलब शौक हो गया, फिर अपने आप चालू होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे ना हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था, वायर कट गया था बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर, वहाँ पे सॉल्ट हो गया था कभी, याद है ना, उसने वायर काट दिया, कभी टच हो रहा था कभी नहीं, तो दिक्कत आ रही थी। मैंने घर जाके देखा, इंस्पेक्शन किया, काफ़ी देर बाद मेरे को यहाँ पता चला यहाँ दिक्कत है इसके, तो वो चीज़ चेक कर लेना, आपको इंसुलेशन प्रॉपर खुद कर लेना, हीट शिंग केबल स्लीव लगा करके कुछ भी, तो ठीक से नहीं निकल के जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव में तो देखो मैं छोटे मोटे नेगेटिव आप कंट्रोल कर लोगे, चैन सेट तिल्ली लूज होता था इसका, ठीक है, और ये मान लो वाइब्रेशंस होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके जो पॉजिटिव्स हैं कहीं ना कहीं वो उसके नेगेटिव्स के सामने डोमिनेट करते हैं, तो आप 110% बम्बल बी की तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में देखो यही था गाइस, मतलब आपको एक सिनेरियो देने वाला था मैं, कि यार जो बंदे काफ़ी पूछते हैं मेरे से RS का क्या सा सिनेरियो, आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा RS का, तो आप डेफिनेटली जाओ RS के साथ 110% आँख मीच के जाओ बिल्कुल, बट एक बार थोड़ा सा ना ट्रायल ले लो, चेक कर लो अच्छी तरीके से बाइक को, उसके बाद जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर आप बाइक को गाली दोगे, थोड़ी बदनामी मिल जाएगी RS को, अच्छी कंडीशन में उठा लो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो गाइज यही था मेरी आज की वीडियो में, तो बाकी जो भी क्वेरीज है आपकी इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गुड वीडियोज़।